सूरदास ने कृष्ण को देखा, बीथोवन ने ईश्वर के संगीत को सुना और हेलेन केलर का काम उनके लिए आज तक बोलता है। चलते हैं अनुश्रुति, जहां आवास का शोर नहीं, बस किलकारियां गूंजती हैं। 23 साल हो गए अनुश्रुति को स्थापित हुए। प्रोफेसर हांडा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट आज एक नए दिन में प्रवेश करने को तैयार है। थोड़े ही देर में यहाँ पर काफी हलचल होगी। इन सुनी क्लासेस को आबाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। असेंबली की तैयारियां पूरी हैं। पूर्ण अनुशासन के साथ हर कोई अपनी पंक्ति में लग चुका है। भारत माता की जयकारों से सारी दिशाएं जग उठती हैं। प्रातःकालीन सभा के बाद अब हर कोई अपनी कक्षाओं में जा चुका है। एक और दिन के लिए ये बच्चे कमर कस के तैयार हैं। इन कक्षाओं में भी उतनी ही चहलकदमी है, उतनी ही बदमाशी, उतनी ही खुशी और उतना ही सहयोग है जितना आपकी और मेरी कक्षा में था। कोई फल और फूलों को आकार और रंग देकर जिंदगी के मायने तलाश रहा है, तो कोई आज की परीक्षा में पूछे जाने वाली कविता में अपने हुनर की जांच कर रहा है। इन सब की जिद भले ही एक जैसी हो, पर ये सब हैं अलग अलग। कोई कैमरे को देखकर अचानक से सावधान हो जाता है, तो कोई अपने प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकारने में नहीं हिचकता। ये ब्लैक बोर्ड पर भी उतने ही निपुण हैं जितने कि कंप्यूटर पर। वीडियो गेम खेलते खेलते ना जाने कितना कुछ सीख जाते हैं, शायद इतना कुछ कि सिखाने वाला भी दंग रह जाए। जब हमने इनके प्रशिक्षक से बात की तो तकनीक के बजाय मर्म की बातें ज्यादा हुई। मात्र 6 महीनों में इनका इन बच्चों से ऐसा जुड़ाव हो गया है कि मूल रूप से कर्नाटका के रहने वाले इन महाशय ने जीवन पर्यंत इस स्कूल से नाता रखने का निर्णय ले लिया है। And even they taught us the sign languages, and they will express the feelings better than anyone, of course. They can, it's very fantastic. Only thing is that sometimes we feel that we are somewhere lagging behind them. We are the 5 senses, even something missing there. They are utilizing that thing from the other aspects. इनसे बात करने के बाद हमने फिर से भ्रमण कार्यक्रम जारी रखा और इस बार हम पहुंच गए एम्ब्रॉयडरी यानी कि सिलाई कढ़ाई बुनाई कक्षा में। दीवारों पर सजे नुमाइशी कपड़े सहजी अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। लड़कियां गंभीरता से अपनी सिलाई मशीन के ऊपर काम कर रही हैं। इनकी इसी मेहनत का नतीजा है इनके उत्पाद, जो कि इनके हुनर का प्रत्यक्ष प्रमाण। इनकी मशीनों की खटपट में सरगम की आवाज है और इनकी मेहनत में आराधना का ओज। कढ़ाई करती हुई इस लड़की का आत्मविश्वास ऊंचा है, क्योंकि इसे मालूम है कि इसके हाथों में कुछ सुंदर कार्य करने की काबिलियत है। आखिर हम खुदा को खुदा भी तो इसी वजह से मानते हैं। बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजों में कराई जाने वाली ग्रुप एक्टिविटीज यहाँ रोजाना सैकड़ों बार बड़े ही सहज ढंग से हो जाती है। सहयोग जरूरी है, आखिर तभी तो धागा सुई के अंदर जाएगा। सृजनात्मकता, जिसे आप क्रिएटिविटी कहते हैं, यहाँ चारों तरफ नूर बनकर बिखरी हुई है। कोई एनवेलप बनाने में व्यस्त है तो कोई पेंटिंग बनाने में। रंग तेरे रंगों में नहीं, मेरी आंखों में है बिहारी, तभी तो मेरी हर दिन है होली,
और हर दिन है दिवाली। शायद इन कलाकृतियों में ये जीवन के रंग ढूंढते हैं। काले रंग को भी स्वीकारा है और चटक लाल से भी प्रेम है। सात रंगों से मिलकर इंद्रधनुष बनता है और इन्हीं सात रंगों में इन्होंने खुशी ढूंढ ली है। इतनी खुशी कि इनके द्वारा बनाया गया रावण भी सुंदर लगने लगा है। इनके निमंत्रण पत्रों में बस खुशी के पैगाम जाएंगे और इन पत्रों की कीमत सिर्फ आपकी मुस्कुराहट है। कलाकृतियां भी ऐसी कि देखने वाला दंग रह जाए। इनके हाथों की सफाई पेशेवर है और इनकी कला में गहराई है। कई कलाकृतियों को तो हम समझ ही ना सके। इनकी सोच हठप्रभ भी करती है और सोचने पर मजबूर भी। मिस्र की रानियों को भी उकेरा है और मुमताज के मकबरे को भी सुंदर बनाया है। कई चित्र तो वाकई इनके जीवन में एक खिड़की के समान है। हमने इस स्कूल की एक बेटी से बात की, उससे बात करके समझने की कोशिश की कि तमाम मसलों पर उसकी राय क्या है। बातचीत के दरमियान पता चला कि मन के किसी कोने में एक संदेह है। कहीं हम और आप इसे दया दृष्टि से तो नहीं देखेंगे, इसे कम तो नहीं आंकेंगे। मुख्य धारा में शामिल होने में जो हिचक है वो जल्द ही अविश्वास का रूप ना ले, ये सुनिश्चित करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। मुश्किल आएगी और क्या वो हमारे साथ बातें करेंगे, हमारे साथ वो सब शेयर करना पसंद करेंगे जो नॉर्मल हियरिंग पर्सन वाले आपस में बात करते हैं। तो मैं शेयर तो कर रहा हूँ आपके साथ कि वो शेयर कर रहे हैं, वो तुम्हारे से बात करेंगे, जो तुम्हें समझ नहीं आएगा वो तुम्हें समझाएंगे। हाँ, वो दोस्त बन के काम करेंगे, ऐसे नहीं कि तुम अलग हो। अगर वो हियरिंग है या तुम स्पेशल नीड वाले हो, हियरिंग इम्पेयर्ड हो, तो ऐसा नहीं है वो तुम्हारे से बात नहीं करेंगे, वो तुम्हारे से पूरी बात करेंगे, दोस्त बनेंगे। कोई समझ नहीं आएगा तो तुम्हारी हेल्प करेंगे। इनसे बोलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छे से पढ़ें और जेई क्रैक करके आईआईटी में आए। विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री और अच्छे से खूब रोज प्रैक्टिस करें तो फिर पूरा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी सारे लोगों का एक परीक्षा होती है और उस परीक्षा के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना, जो लिस्ट होगी उसमें बच्चे चुन लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छे से खूब पढ़ाई कर, विज्ञान और गणित बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ओबामा के देश अमेरिका से मशहूर धर्म प्रचारक मार्क एंडरसन बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना सभा करने स्कूल आ रहे हैं। पार्वती मैम बच्चों को एक बार फिर से बाहर बुलाती हैं। पहले छोटे बच्चे, फिर धीरे धीरे बड़े बच्चे अपने विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए बाहर आते हैं। इसके बाद मार्क और उनका दल प्रार्थना सभा की शुरुआत करता है। मार्क हर एक बच्चे के लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि परमेश्वर उनकी आवाज
जरूर सुनेगा। तो फिर सवाल उठता है कि परमेश्वर ने इन बच्चों को आवाज क्यों नहीं दी? लेकिन इन बच्चों के मन में कोई कुंठा नहीं, इन्हें परमेश्वर में भरोसा है। Jesus loves them and we're all equal in God's sight. Nobody's different. Bible says God shows favoritism to no man, so we're all equal, and so it's wonderful. They are my friends, and they're Jesus friends. टीचरों की देखरेख में शिक्षण प्रशिक्षण का काम दोबारा शुरू होता है। हमने देखा है कि यहाँ के बच्चों का अपने टीचर्स के साथ जुड़ाव बेहद गहरा और संवेदनापूर्ण है। पार्वती जी अपने बच्चों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बड़ी गर्मजोशी से पैरवी करती हैं। शायद ये दुनिया का इकलौता स्कूल है जहां हर सवेरे सारा टीचिंग स्टाफ शपथ लेता है। इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी भी तो बड़ी है। पार्वती जी के ऑफिस में घुसने पर सबसे पहले नजर इस ढोलक पर जाती है। भले ही बच्चों ने थाप ना सुनी हो, पर आकार सटीक दिया है। पार्वती जी इस स्कूल का चेहरा है। शिक्षण से लेकर प्रबंधन तक की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती हैं। चाहे बच्चों का प्रोत्साहन करना हो या फिर उनके माता पिता का, इनके पास हर मर्ज की दवा है। दिन भर ऑफिस में आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। सबसे बड़ी सीख तो ये सीख आपको बताने जो आप आगे सीख सकते हैं, इनका कॉन्फिडेंस है इतना ज्यादा है कि इनको ये मालूम है कि मतलब हम अपने आप में पूरे नहीं हैं। अगर क्राउड के अंदर जाएंगे, किसी भी आम आदमी के बीच में अगर मैं अपना बच्चा भेज दूं और उसको ये बोलूं कि आपको ये करना है, तो उसको कोई हेजिटेशन नहीं होता, उसको फुल कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यही है कि एक नॉर्मल कम्युनिटी के बीच में एक ऐसा जो स्पेशल नीड्स का बच्चा है वो खड़ा होकर के ये चाहता है कि हाँ मैं कर सकता। आज ऑफिस में एक विशेष मेहमान आया है, इनसे मिलिए। ये है आकांक्षा, इसी स्कूल की पास आउट। अपनी प्रिंसिपल साहिबा को अपनी शादी का न्योता देने आई है। अपने स्कूल को सबसे अच्छा बताती हैं और कुछ ऐसी ही राय अपने होने वाले पति के बारे में भी है। आपकी शादी कब है? शादी में तो भी नवंबर। लड़का पसंद है आपको? अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम इन बच्चों की जिंदगी खिड़की के इस तरफ से देखते हैं। खिड़की के उस पर जाकर अगर समझने की कोशिश करें तो सिर्फ इनके शिक्षकों से मदद मिल सकती है। मैम आप कुछ बोलेंगे? क्या बोले, बस ये है, इस बहाने बच्चों का एंटरटेनमेंट होता है, बच्चों को आपस में कंपनी मिलती है, इनको एक दूसरे को समझते हैं बच्चे। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब से हमने यहाँ ज्वाइन करा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कब से ज्वाइन किया आपने, कितने साल हो गए? मेरे को 5 साल होने वाले कंप्लीट। तो मुश्किल आती है कुछ इन बच्चों को डील करने में? हाँ, शुरू में बहुत आई थी मुश्किल, लेकिन अब धीरे धीरे सब हैबिट में आ गए, बच्चे भी समझ गए, बच्चे भी समझने लगे टीचर को। आपको खुशी है कि आपने इन बच्चों को पढ़ाने का डिसीजन जो लिया था सही था? और ईश्वर से भी शायद इन बच्चों को पढ़ा के और बच्चों की सेवा करके जितना मिलना था उससे कहीं ज़्यादा हमें प्राप्त होता है।
वरना तो आप ये लिखा हुआ है थोड़ा तो आप लिखा दो इसका मतलब क्या है ये पता है। अगर हमने बच्चों को मम्मी को माँ कहना सिखाया ना तो वो जिंदगी भर माता कभी नहीं कहेगा बच्चा, चाहे उसकी माँ बाप जो लगा मतलब टेंडेंसी है ना, क्योंकि जो सिखा रहे हैं वो हम ही सिखा रहे हैं, बाकी ये सारे समाज की बातें नहीं सुन रहे। इन लोगों से बात करके एहसास होता है कि दुनिया में जुनूनी लोगों की कमी नहीं। अब जैसे बच्चों के साथ खेलते इन साहब को ही ले लीजिए, ये हैं बच्चों के कोरियो टीचर। सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ घुलने मिलने की ललक इन्हें हर रोज स्कूल खींच लाती है। बच्चों से इनकी दोस्ती और इनकी ट्यूनिंग देखते ही बनती है। कॉम्पिटिशन में गए, DID में गए हैं, आपके डांस या डांस जो टीम पे आता है जस्ट डांस में भी गए हैं, और काफ़ी स्टेट लेवल्स पे बच्चों ने परफॉर्म किया है और कॉम्पिटिशन जीते हैं, काफ़ी प्राइज भी जीते हैं बच्चों ने। तो आपको इन बच्चों का बॉस्को सीजर कहना गलत नहीं होगा? हो, ये तो आपके ऊपर बात है, आप कहना चाहे जो। भट्ट साहब देहरादून के रहने वाले हैं, पेशे से शिक्षक हैं, इसलिए जाहिर है कि बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा सुनिश्चित करना इनकी प्रथम प्राथमिकता है। इस स्कूल की ख्याति इन्हें रुड़की तक खींच लाई। कहते हैं देहरादून और बाकी उत्तराखंड में ऐसा स्कूल नहीं। सच ही कहते होंगे। पार्वती मैम के साथ बातचीत के बाद संतुष्ट नजर आए। तो सर मतलब ऐसे बच्चे के पालन पोषण में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? Actually, we do not able to communicate him, but he also will not be able to communicate for what he needs, for like the attributes and what where he wants to go. That is a problem. Communication is the main problem. यकीन मानिए, इस स्कूल को चलाने के पीछे इतना जोश, इतना जुनून लगा हुआ है कि अगर सैटेलाइट के फोटो में देखा जाए, तो ये अलग ही ऊर्जा का केंद्र नजर आएगा। राजेंद्र जी का स्कूल के साथ जुड़ाव पुराना है। हर एक बच्चा इन्हें अच्छे से पहचानता है। और ये काम करके खुशी मिलती है सर आपको? हाँ, डेली यस। जब मैं सुबह यहाँ आकर और शाम को अपने साथ अपने घर में डॉटर के साथ जाता हूँ, तो उस समय शाम को जब अपनी गुड़िया से बातचीत करता हूँ या खेलता हूँ, तो मुझे लगता है साथ मैंने कुछ अच्छा वर्थवाइल काम किया है और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। तो आपको जो आपका डिसीजन था इस स्कूल के साथ जुड़ने का, तो आप उसे सार्थक मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव। मैं इसको बिल्कुल सार्थक मानता हूँ और कोशिश भी करूँगा कि आगे वाले दिन जो है इस स्कूल को जितना सहयोग मेरे से बन पाएगा, जितना स्वास्थ्य मेरा साथ देगा और जितने दिन मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, अच्छे से उसी तरीके से करता हूँ। अकाउंटेंट साहब से बात की तो कुछ अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हुई। ऐसे दौर में जब हमारे सामाजिक सरोकार सिमटते जा रहे हैं, ये जानकर खुशी होती है कि इस स्कूल में तकरीबन 24 बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। रिक्शा चालकों से लेकर उद्योगपतियों तक के बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं। तभी स्कूल में कनाडा से आई अंकिता का आगमन होता है। स्वागत तो ऐसा कि सामने वाला भाव विभोर हो जाए। शायद यही वजह है कि जो एक बार इस स्कूल से जुड़ता है वो हमेशा के लिए यहाँ का होकर रह जाता है। अंकिता जी को इस क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव है। बातों ही बातों में वो कनाडा के वैंकूवर शहर में चल रहे एक अनोखे रेस्तरां की कहानी बताती हैं। ये रेस्तरां पूर्ण रूप से नेत्रहीन लोग चलाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति खाना खाने के लिए अंदर आता है, उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो इनकी दुनिया को जी सके, समझ सके। इतनी लंबी सोच, और हम और आप सोचते थे कि सारी इनोवेशन का ठेका हमने ही ले रखा है। सबकी तरह अंकिता जी भी प्रभावित नजर आती है। जहां इनकी ट्रॉफी कैबिनेट का खचाखच भरा होना इनकी काबिलियत की मिसाल है, वहीं इनका बड़प्पन है कि ये अपनी कमजोरियों को स्वीकारने से नहीं हिचकते। ये लीजिए, छुट्टी हो गई। आशा भरी निगाहों से बच्चे गेट पर खड़े होकर अपने अभिभावकों का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ अपने रिक्शे वालों का।
आज के लिए बहुत पढ़ाई हो गई, अब घर जाकर कुछ तूफानी करते हैं। छोटू बड़ी देर से जूते की लेस बंधवाने के लिए परेशान था, तो छोटी को अपनी टिफिन खत्म करनी है। बड़े बच्चे थोड़ी देर गपशप करने के लिए रुकते हैं, फिर धीरे धीरे वो भी निकलना शुरू करते हैं। एक एक करके सारे बच्चे अब जा चुके हैं, इस वादे के साथ कि हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। आज का दिन इस प्रकार समाप्त हुआ। अनुश्रुति में एक बार फिर शांति का बसेरा है, कल तक के लिए। कल अनुश्रुति फिर चहकेगी। एक दिन यहां बिताने के बाद पैकअप करने का मन नहीं होता। ये बच्चे वाकई में गांधी की संतान है, ना बुरा बोलते हैं, ना बुरा सुनते हैं और ना कुछ बुरा देखते हैं। यहां समय बिताकर बेहद खुशी हुई। हम यहां दोबारा भी आएंगे, आप भी आकर देखिएगा, अच्छा लगता है।